हाल ही के डेराबस्सी में आम आदमी पार्टी द्वारा व्यापारी वर्ग की जरूरतों को मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग को हल्का उम्मीदवार सरबजीत कौर समेत आम आदमी पार्टी पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने संबोधित किया और व्यापारियों की मुश्किलों को सुना। संजय सिंह ने आप पार्टी चुनाव मैनिफेस्टो में व्यापारियों की जरूरतों को शामिल कर दूर करने का भरोसा दिलाया और कहा कि पंजाब में आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, जिसमें आम लोगों की सभी मुश्किलों को दूर किया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि कुछ चैनलों द्वारा गलत सर्वे रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी सीटें कम दिखाई जा रही थी पर वहाँ भी भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी थी और पंजाब में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा और 100 के करीब सीटें आएंगी और हम पंजाब में भी सरकार बनाएंगे। इस मौके पर इलाके के प्रमुख नेता और व्यापारी मौजूद थे। 2013 में इसी एबीपी चैनल ने आम आदमी पार्टी को 8 सीट दी थी, हमारी आई 28 सीट, कांग्रेस को 28 सीट दी थी, कांग्रेस की आई 8 सीट। इसी एबीपी चैनल ने 2015 में आम आदमी पार्टी को दी थी 18 सीट, हमारी आई 67 सीट। इसी एबीपी चैनल ने बीजेपी को दी थी 2015 में 46 सीट, उनकी आई 3 सीट। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सर्वे लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जनता के बीच में है, जनता का समर्थन हमको हासिल है, 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मेजर अली के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।